बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर वीटीसी टीचर अतीकुर रहमान। आई वेरी वेलकम यू ऑल टू दिस एमसीटीएम वीटीसी ऑनलाइन वीडियो सेशन। एंड स्टूडेंट्स, इन दिस टुडेज लेसन वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट कंस्ट्रक्शन इन स्टैंडर्ड 6। इन मैथमेटिक्स सब्जेक्ट Today's our topic is construction, geometric construction, and जिसे हम उर्दू में हिंसी अमल कहते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आज के सेशन में हम खास तौर पर बात करेंगे, ठीक है, geometrical construction, ठीक है, या geometrical construction है, ठीक है, इसके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले कि आज के सेशन में हम क्या मालूमात हासिल करने वाले हैं। सो टुडे आवर मेन टॉपिक इज ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, एंड इन दिस टॉपिक वी आर ऑब्जर्विंग हेयर यूजिंग अ सेट स्क्वायर, then the using a compass and a scale, and thereafter drawing the perpendicular bisector of a segment using a compass. Okay, so these three points today we are observing, and we are also doing here the practice set 40. सो यहाँ पर बच्चों आज के सेशन में हम हिंसी अमल में यहाँ पर ख़त के बाहर वाक़ नुकात से जो है तो ख़त के बाहर वाक़ नुकात से ख़त पर उमूद खींचना देखेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो बात करेंगे प्रकार, इसमें हम यहाँ पर गुनिये का इस्तेमाल करके देखेंगे कि ख़त के बाहर के वाक़ नुकात वाक़ नुक्ते से ख़त पर उमूद किस तरह से खींचा जाता है। उसके बाद में प्रकार और नाप पट्टी का इस्तेमाल करके हम यहाँ पर देखेंगे कि ख़त के बाहर वाक़ नुकात से ख़त पर उमूद किस तरह से खींचा जाता है। इसके बाद में प्रकार का इस्तेमाल करके क़त ख़त का उमूद नासिफ खींचना हम यहाँ पर सीखेंगे, ठीक है। So these three points we have to do it in today's session. तो बच्चों जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन पर, यहाँ पर दिया हुआ है drawing a perpendicular to a line from A point outside the line. Okay भाई, और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं बच्चों, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं सवाल जो स्क्रीन पर आपकी नज़र आ रहा है यहाँ पर। इसमें हमें यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले हमें यहाँ पर स्केल लेना है, स्केल से एक ख़त हमें यहाँ पर खींचना है, ठीक है। ये ख़त हमने खींचा है, ख़त खींचने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर कि हमने जो है तो गुनिये के जो है तो कायमा जाविया बनाने वाले एक साख को जो है तो इस ख़त से मस करता हुआ रखना है, जैसे कि आप देख रहे हैं, और गुनिये को ख़त पर इस तरह से सरकाना है कि गुनिये की कायमा जाविया बनाने वाली दूसरी साख जो है तो यहाँ इस नुक्ते से जो है तो मस हो, ठीक है। यहाँ पर आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पर एक यहाँ एक हमने यहाँ पर नुक्ता लिया इस तरह से, और गुनिये के इस किनारे से नुक्ता पी से गुजरने वाला जो है तो पी एस हमें यहाँ पर खींचना है, ठीक है। तो इसे हम यहाँ पर जो है तो पी और यहाँ पर एस इस तरह से हम नाम दे देते हैं इसे, ठीक है। अभी आपको नज़र आएंगे नाम, तो इस तरह से हमें यहाँ पर खींचना है, ठीक है। तो इस बात की तस्दीक करने के लिए कि ख़त पी एस जो है तो उमूद है, जावी की पैमाइश कर सकते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि इस तरह से हमने यहाँ पर जो है तो ये हिंसी अमल किया है, और
यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से हमने यहाँ पर उमूद खींचा है, ठीक है। सो फर्स्ट वी आर सपोज टू टेक एक्स वाई लाइन, देन टेक अ पी पॉइंट एनीवेयर आउटसाइड द एक्स वाई, सो वी हैव टेकन हियर हियर, देन प्लेस द आर्म्स ऑफ द राइट एंगल ऑफ द सेट स्क्वायर अलोंग द एक्स वाई। ओके, यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने सेट स्क्वायर रखा है, ठीक है। देन स्लाइड द सेट स्क्वायर लॉन्ग अलोंग द लाइन इन सच वे दैट द अदर आर्म ऑफ इट्स राइट एंगल टचेस पॉइंट्स पी एंड ड्रॉ अ पी एस लाइन दिस साइड पासिंग थ्रू द पॉइंट पी। ओके, लाइक दिस। सो मेजर द एंगल्स टू वेरीफाई दैट एंगल इज अ परपेंडिकुलर, सो यू कैन यूज हेयर द प्रोटेक्टर, ओके, टू फाइंड आउट वेदर इट इज अ राइट एंगल और नॉट। ओके, सो हेयर इज द क्वेश्चन नंबर, हेयर इज द एग्जाम्पल नंबर वन फॉर यू फॉर यूजिंग अ सेट स्क्वायर। And now we'll move for the next, and that is on your screen. So you can see here using a compass and a scale. Okay. So in this question, students, you can observe here. यहाँ पर आप प्रकार और नापट्टी का इस्तेमाल देख रहे हैं। तो इसमें आपने यहाँ पर सबसे पहले देखना है कि हमने यहाँ पर क्या लिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर नुक्ता जो है, तो यहाँ पर ड्रॉ अ लाइन पी क्यू एंड टेक द एम पॉइंट एनीवेयर आउटसाइड द लाइन हियर। ओके, सो देन प्लेसिंग the still head of the compass at point M and using any convenient radius draw arcs at cut line the PQ here like this. And then cut the line PQ at the point here, and then you can see the place the still head of the compass at point A. Here you can see this one is A point and this one is a B point, and from here you can easily mark it like this and take the radius greater than half of AB, draw an arc on opposite side of the PQ as point M is there. So place the still head of the compass at the point, and using the same radius draw an arc to the intersect the previous arc here and this mark. Okay, and afterwards you can draw the line here. Okay, so line here is a perpendicular to the line to PQ here. Okay, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों कि ये जो प्रकार का और नापट्टी का इस्तेमाल करके हमने यहाँ पर जो है तो एक इस तरह से उमूद खींचा है,
ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ख़त हमने यहाँ पर जो है तो सबसे पहले पी क्यू लिया है, उसके बाद में ख़त के बाहर जो है तो कोई नुक्ता एम लिया है, और प्रकार की नोक को जो है तो हमने यहाँ पर आपने देखा कि एम पर रखने के बाद जो है तो एक निस्कुत्र हमने इस पी क्यू ख़त पर खींचा है, ठीक है। और उसके बाद आपने देखा यहाँ पर कि यहाँ पर हमने इन पॉइंट से जो है तो प्रकार में एक फासला रख कर जो है तो यहाँ पर इस तरह से ख़त खींचा है, कॉस खींचा है सॉरी, और ये कॉस खींचने के बाद ये कॉस जो एक दूसरे को जहाँ किता कर रहे हैं वहाँ से इस पॉइंट पर हमने यहाँ पर इस तरह से एक उमूद खींचा है, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा यहाँ पर कि यहाँ पर ये जो है तो एक उमूद यहाँ पर इस तरह से हमने खींचा है, ठीक है। तो आसानी से हम इस तरह से जो है तो प्रकार और नापट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके बाद हम प्रकार का इस्तेमाल करके कतः ख़त का उमूदी नासिफ खींचना चाहेंगे। सो ड्राइंग अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट यूजिंग अ कंपास। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर हमने एक ख़त खींचा है, ठीक है, पी क्यू इसको नाम दिया हमने, और ये पॉइंट्स से आप देखेंगे यहाँ पर कि मखसूस फासला हमने प्रकार में लिया है और एक ऊपर कॉस और एक नीचे कॉस लगाया है। उसके बाद आप देखेंगे कि उसी फासले से जो है तो एक ऊपर कॉस है और एक नीचे कॉस है, और उसके बाद हमने स्केल पट्टी से जो है तो इसे यहाँ पर इस तरह से मिला दिया है, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि काफ़ी आसानी से हम इस तरह का अमल कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जहाँ ये नुकात एक दूसरे को मिलते हैं वहाँ पर हम उन्हें नाम भी दे सकते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये जो है तो इस खत को मसावी दो हिस्सों में ये तकसीम कर सकता है, ठीक है, इस तरह से। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि ये जो बुनियादी मालूमात हमने आपको बताई है ये आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो प्रैक्टिस सेट 40 यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना है, ख़त एल खींचना है और ख़त के बाहर कोई नुक्ता पी लेना है और गुनिये का इस्तेमाल करके ख़त एल पर ख़त पी क्यू खींचना है, ठीक है। ड्रॉ लाइन एल, टेक एनी पॉइंट पी आउटसाइड द लाइन यूजिंग अ सेट स्क्वायर, ड्रॉ अ लाइन पी क्यू परपेंडिकुलर टू लाइन एल, ओके, इस तरह से। तो यहाँ पर हम सबसे पहले स्केल लेते हैं, स्केल लेने के बाद में हम इस पर लाइन खींचते हैं इस तरह से। लाइन खींचने के बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर जो है तो नुक्ता पी लेना है, ठीक है। तो नुक्ता पी हमने यहाँ पर लिया है, ठीक है, नुक्ता पी पर हमने यहाँ पर जो है तो इस तरह से सेट स्क्वायर रखा है, और इसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर कि हमें ये लाइन खींचना है और इसे नाम दे देना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसे नाम दे दिया पी क्यू इस तरह से, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ये हमारा एक परपेंडिकुलर हमने यहाँ पर खींचा है ख़त एल पर जो है, तो आप देखेंगे पी क्यू ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, इस तरह से हम आसानी से खींच सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर वन। अब क्वेश्चन नंबर टू हम लेते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर टू में आप देखेंगे बच्चों कि एक ख़त जो है तो ए बी खींचना है हमें, और ख़त के बाहर कोई नुक्ता एम हमें लेना है, ठीक है, और प्रकार और नापट्टी का इस्तेमाल करके ख़त ए बी और ख़त एम एन उमूद खींचना है हमें, ठीक है। तो आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर हमने ये जो अमल है ये यहाँ पर हमने जो सवाल में जिस तरह से कहा गया है उस तरह से हमने यहाँ पर लिया है, ठीक है। सो यू कैन सी हेयर, ड्रॉ अ लाइन ए बी। सो यू कैन सी हेयर, फर्स्ट वी ड्रॉ द लाइन ए बी हेयर, टेक अ पॉइंट एम, सो हेयर इज़ अ पॉइंट एम,
anywhere outside the line using the compass and roller, draw a line MN. Line MN यहाँ पर हमें खींचना है and that will be the perpendicular to AB. ठीक है, इस पर उमूद होना चाहिए ये. ठीक है, इस तरह से. तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, सबसे पहले हमने यहाँ पर जो है तो cos लगाया है इस तरह से. ठीक है, M पॉइंट पर प्रकार की नोक रखने के बाद में तो आप देखेंगे यहाँ पर ये P और ये Q. ठीक है, इस तरह से ये हमारे यहाँ पर दो पॉइंट इस तरह से बने हैं. अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इन पॉइंट्स पर यानी M P पर और Q पर हम प्रकार की नोक रखेंगे और उसके बाद जो है तो हम यहाँ पर cos लगाएंगे इस तरह से. ठीक है, तो यहाँ एक cos लगाया हमने, एक cos यहाँ पर लगाया इस तरह से. ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर ये cos जहाँ पर हमने लगाए हैं, जो cos एक दूसरे को कटा कर रहे हैं वहाँ से हम लाइन इस तरह से खींच देते हैं यहाँ पर. ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर हमारा जो सवाल है ये मुकम्मल हुआ इस तरह से. ठीक है, ये आसानी से हम इस तरह से कर सकते हैं. इसके बाद हम तीसरा सवाल देखते हैं इस एक्सरसाइज का, जिसमें दिया हुआ है कि 5.5 सम लंबाई का कता ए बी खींचना है और प्रकार और नापट्टी की मदद से इसकी तंसीफ करना है. ठीक है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 5.5 cm, बाइसेक्ट इट यूजिंग कंपास एंड रोलर. ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर जो है तो 5.5 का एक ख़त खींचते हैं. ये देखेंगे आप यहाँ पर 5.5 का हमने ख़त खींचा है. ठीक है, अब इसके बाद प्रकार और नापट्टी की मदद से इसकी तंसीफ करना है. ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये पी क्यू हमने लिया यहाँ पर. ठीक है, और उसे इस तरह से हमने यहाँ पर जो है तो प्रकार की नोक हमने यहाँ पर रखी और इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर हमने ये कॉस ड्रॉ किए हैं. ठीक है, इस तरह से. अब इसके बाद जो है तो सिमिलर पी पर हमने प्रकार की नोक रखी है और इस तरह से हमने यहाँ पर ये ड्रॉ किया है. ठीक है, इसके बाद में ये कॉस जहाँ किता हो रहा है वहाँ पर हमने इस तरह से फुट रखा है और इसे यहाँ पर इस तरह से खींच दिया है. ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि इस तरह से हम बहुत ही आसानी से जो है तो उमूद खींच सकते हैं. ठीक है, और प्रकार और नापट्टी की मदद से इसकी तंसीफ करना है हमें. ठीक है, तो ये बहुत ही आसानी से ये अमल हम यहाँ पर करते हैं. ठीक है, तो ख़त एम एन जो है तो नुक्ता पी पर यहाँ पर अगर आप देखते थे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये जो यहाँ पर हमें इसे नाम देना होगा. यहाँ हम इसके नाम थोड़े चेंज कर देते हैं. ठीक है, ए है और ये बी है. ठीक है, तो अभी आप देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन के मुताबिक हमने नाम किए हैं, इसको नाम रखे हैं. ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसे यहाँ पर जो है तो हमने एम और ये एन इस तरह से नाम दिया है. ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि लाइन एम एन बाइसेक्ट सेगमेंट ए बी एट द पॉइंट पी, इस तरह से आप देख सकते हैं इसे. ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे आपकी ख़त जो एम एन है नुक्ता पी पर ख़त ए बी की तंसीफ करता है, इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है. ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं. ड्रॉ एक्स वाई देन टेक अ पॉइंट आर ऑन इट यूजिंग अ सेट स्क्वायर, ड्रॉ अ लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन एक्स वाई एट द पॉइंट आर. ओके, तो यहाँ पे सवाल क्या दिया हुआ है बच्चों, यहाँ पे सवाल दिया है कि ख़त एक्स वाई खींच कर इस पर एक नुक्ता आर लीजिए. गुनिये का इस्तेमाल करके ख़त एक्स वाई के नुक्ता आर पर उमूदी ख़त खींचिए. ठीक है, तो यहाँ पर हमने सबसे पहले ये इस तरह से स्केल लिया.
ठीक है, स्केल लेकर हमने यहाँ पर इस तरह से खींचा, ठीक है, ख़त। फिर उस पर हमें यहाँ पर जो है तो एक नुक्ता यहाँ पर आर लेना है, ठीक है, ये नुक्ता आर हमने यहाँ पर लिया है, ठीक है, नुक्ता आर पहले लेना है, बाद में हमें यहाँ पर गुनिया रखना है, ठीक है। और इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर कि हमें इस तरह से जो है तो इस पर लाइन उमूद खींचना है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि बहुत ही आसान तरीका है ये, बहुत आसानी के साथ हम यहाँ पर जो है तो ये अमल कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इस तरह के मज़ीद वीडियो मिलेंगे आपको, तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आज के सेशन में जो हिंसी अमल हमने आपको सिखाया है इसे आपने ज़रूर से सीखा होगा, ठीक है। सेशन के बाद ये तमाम सवालात बच्चों प्रैक्टिकल करना है, आपको अमली तौर पे करना है, इसलिए जब तक आपकी ख़ुद की ज़ाती कोशिश नहीं होगी तब तक ये सवालात आपको नहीं आएंगे, ठीक है। कोशिश कीजिए इसे अपने तौर पर हल करने के लिए। सो स्टूडेंट्स, देयर इज़ सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो यू आर सपोज टू सॉल्व दैट क्वेश्चंस, and there is also a feedback form in the description box, so kindly fill that form. तो बच्चों आपको सेशन के बाद में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और वहाँ चंद अहम सवालात दिए गए हैं उन्हें हल करना है, और उसके बाद आपके तासुरात का जायज़ा लेने के लिए एक गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे आपको पूर करना है।